शुभोदय बच्चों, कविता आप लोगों को वृंद के दोहे पाठ में जो कुछ भी व्याकरण अंश है वो पूरा बताया गया है आप लोगों को, और उसमें आप लोगों को क्या है वो प्रचलित रूप में आने वाले शब्दों के बारे में भी हो गया। आज तो आप लोगों को एक नया पाठ है, तुम कब जाओगी अतिथि। असल में अतिथि आए तो आने के लिए हम आह्वान करते हैं, अरे घर आइए, उनको स्वागत करने में इतना मजा लेते हैं, बच्चे तो और मजा लेते, बड़ों से भी ज्यादा। कोई भी अतिथि आए तो उनके मनमानी जो भी चाहे वो तो करने का मौका मिलता है, इसीलिए बच्चों तो बहुत। ये कौन है, ये कहानी लिखने वाला शरद जोशी है। कौन है वो शरद जोशी जी, क्या लिखा है, क्या बताया है इसमें, पहले हम लोग कवि परिचय के द्वारा उसको जान लेंगे। शरद जोशी का जन्म 1931, और क्या है कवि का जन्म कब है वो 1931, मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में हुआ है। इनका बचपन कई शहरों से बीता है, कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। और लेखक जी क्या किया है वो अपने जीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए क्या अपनाया है वो लेखन कला। हम लोग अपने जीवन के लिए क्या चुना है, अध्यापन वृत्ति, वैसा है लेखन का साहित्य में उन्होंने वो लिया है। और वो अपने इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी हैं, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन करने में व्यंग्य लेखा, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी ये थे। और पूरे सीरियस, और क्या है वो पढ़ते ही आंखों से पानी आना और सुन सुन कर मन में बेचैनी उत्पन्न होना, ऐसे कहानियां पढ़ने में उतनी दिलचस्पी तो नहीं रहती। ये व्यंग्य कहानियां पढ़ते समय क्या हो जाता, मन में एक प्रकार का आनंद महसूस करते आप लोग। ये पूरा कहा कि बाहर की नहीं रहता, हमारे जीवन से संबंधित रहता है, इसीलिए हम बहुत खुशी तो पाते हैं। ऐसी कहानियां लिखने में हमारा शरद जोशी जी सिद्ध हस्त है। और शरद जोशी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, और जीप पर सवार, झिल्लियां, और तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं, अंधों का हाथी और एकता गधा। एकता गधा तो बहुत मशहूर हो गया बच्चों, वो पढ़े तो आप लोगों को क्या है वो हंसी का सीमा नहीं रहता, हंस हंस कर पागल हो जाते, उतनी हंसी आता है वो एकता गधा। अगर आप लोगों को परीक्षाओं में पूछा जाता है एक एक बार ये कवि का लेखक का परिचय दीजिए, कभी नहीं है इधर लेखक लेख लिखा है वो इन्होंने, और ये इनका परिचय दीजिए बोले तो पूरा परिचय लिखना होता है। एक एक बार क्या है साहित्यिक परिचय दीजिए, साहित्यिक परिचय दीजिए बोले तो आप लोग क्या करना है, उनके प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, उन रचनाओं की विशेषता क्या है वो तो लिखना पड़ेगा। और आगे बढ़ेंगे, शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, और मुहावरों से हंस परिहास और हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं के अधिक रोचक बनाया था। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यंग्यगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पेन नजर से बच नहीं सका। इसका मतलब संसार में कितने भी हैं, कोने कोने के अंदर भी झांक कर देखा है और इनका कलम का धार बताया है लेखक ने, कहां कहां गया है धर्म, धर्म से चलने वाले ढोंगी विचारों के बारे में भी उन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाएं की, और आध्यात्मिक के नाम पर करने वाले वो उन पाखंडियों का भी वो उनको भी लेकर लिखा है। राजनीतिक, हमारे राजनीतिक क्या है वो उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है हमारे लिए मानकर वो करने वाला, उनका जीवन को भी उन्होंने व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा किया है। और सामाजिक जीवन में हम लोगों के जीवन में जो भी चलता है उसको भी व्यंग्यात्मक कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किया है लेखक जी। और इन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों और बेवाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होते हैं और बहुत कुछ सोचने में विवश कर देते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों के एक अच्छा चित्र दिया गया है, इधर क्या है वो दो है, वो कौन है वो, ये घर का सदस्य है और दूसरा लंबा तान कर सो गया है ना, वो तो अतिथि है। अतिथि को क्या करते हैं हम लोग, पहले आया है हमारे घर को नया है इसीलिए उनके लिए सभी प्रबंध करना है, ऐसा सोचकर दिए तो वो अतिथि क्या है वो
अतिथि, तिथि वार ना देकर आने वाला ही है अतिथि, लेकिन वो क्या करना है, आया है और चले जगह तो उनका सम्मान मिलता है। उसकी जगह इधर देखो, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता, जान से प्यारा होना है, जान लेने वाला नहीं होना है अतिथि, ऐसा बताया गया है। इधर मेहमान का क्या है, फागुन अतिथि, ऐसा कहा जाता है। गीत पंक्ति और चित्र के भाव की तुलना कीजिए, और ये ऊपर जो कुछ भी दिया गया है वो तो आप लोगों को जिस देश में गंगा बहती है उसमें कहा गया है, मेहमान जो हमारा होता है जान से प्यारा होता है। कारण क्या है, भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का स्वरूप है, उनका सत्कार स्वागत करना हम लोगों का परम आवश्यक है, ऐसा बताया गया है। लेकिन आज भी हम लोग उतने ही प्यार से अतिथि के लिए स्वागत सत्कार करने के लिए तत्पर है। आप लोग एक बार सोच समझ कर जवाब दीजिए, अतिथि घर आने से पहले हम लोग क्या है, वो सूचना मिलते ही घर के वो ताला लगाकर हम खुद चले जाते बाहर, और ऊपर से बोलते अरे आपकी सूचना हम लोगों को नहीं मिला इसीलिए नहीं, अरे तुम आने से पहले फोन करना था, हम खुद आगे लेके आते, इतने इतने अच्छे अच्छे वाहन है तो बताते हम लोग आने वाले अतिथि को वहां से वहां भगाने के लिए। लेकिन जमाना बदल गया है, ये तो जमाने में क्या है वो पूरा खरीदारी में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहे हैं, तो घर के सदस्यों के ही पेट भर के खाना देना मुश्किल होने वाले ये जमाने में अतिथि के लिए कौन अपना दरवाजा खोलकर स्वागत सत्कार करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये पाठ में अतिथि के लिए वो लोगों ने क्या क्या तैयारियां करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में जाने से पहले ये भूमिका में क्या बताया गया है उसके वो भी ध्यान देंगे। प्रस्तुत पाठ, तुम कब जाओगी अतिथि में, शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों का खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, भले ही उनका टिके रहना मेजबान की कितना ही भारी क्यों ना पड़े। क्योंकि महंगाई के जमाने में क्या हो गया, कमाने वाला एक रहता, खाने वाले 10 लोग रहते, वो कहाँ से ला कर अपने खून पसीना क्या खिलाते हैं, वो बात तो सोचना है आने वाले लोग। लेकिन आज के जमाने में दूसरों के बारे में सोचो तो उनका पेट कैसे भरता, उसके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। और क्या है, वो पहले दिन आने के सूचना दिए तो क्या करते हैं वो, हम लोग वो मेहमान को अच्छी तरह मेहमान नवाजी करके उनको विदा करते हैं। लेकिन ये तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, जिसके आगमन के बाद मेजबान का सब सोचने की विवश हो जाए, जो इस पाठ में मेजबान निरंतर सोचते रहते हैं। इसमें क्या बताया गया है, आगे हम लोगों बड़े तो मालूम हो जाता है। आज क्या है, वो अतिथि अगर पहले दिन आने से लेकर वो जाने तक तो उन लोगों ने कैसे गिनते हैं, क्या क्या होता है, उन सभी विषयों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है शरद जोशी ने। अतिथि देवो भवा के समान रहना है, अतिथि को देखकर भागना नहीं है, आने वाले मेहमान को स्वागत सत्कार करने में तुले रहना है, ये पूरा कहा गया है। इसमें क्या है, वो ये पाठ में अतिथि को कितने महत्वपूर्ण दिया गया है वो एक पंक्ति के द्वारा आगे बढ़ेंगे थोड़ा। आज तुम्हारे आगमन का चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, और क्या है वो, तुम कब जाओगी अतिथि, अतिथि आया है और जाने के लिए भी वो तैयार हो गए हैं, ऐसा होने का कारण क्या है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में तो पढ़ाती हूँ बच्चों। धन्यवाद।